बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका अपना सलमान बशीर। वेलकम टू द न्यू व्लॉग। दोस्तों, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो अभी हम जा रहे हैं 3 दिन बाद काम पर। काम बंद होने की वजह से पंजाब में कारोबार नहीं है, धुंध पड़ रही, जिसकी वजह से फैक्ट्रियाँ बंद है। हमारा स्क्रैप का काम बंद पड़ा हुआ है, ना रेट है ना पैसे हैं। अभी एक भाई का माल उठाना था, तो ये नदीम भी है मेरे साथ। तो अभी हम चलते हैं कांटा कराने, बाबर कांटा करा के फिर आपसे मिलते हैं, ठीक है दोस्त। आवाम आ गई थी, हमारे अमीत भाई हैं। अभी हम जा रहे हैं पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाने, ये हमारे अमीत भाई हैं। तो पेट्रोल नहीं है गाड़ी में, पेट्रोल डलवा के फिर कांटा कराते हैं, फिर मर्सलीन गुजर का स्क्रैप उठाना है। उनको बाहर का दिखाते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं आज ही उठाना है आपने ना, इसकी वजह से अभी हम चलते हैं वहीं से चलते हैं। आप चलते हैं, रोड बन रहा है भैया हमारा, इसकी वजह से थोड़ी स्टाप पे ट्रैफिक जाम है। और अभी हम पंप पे पहुंचने वाले हैं। PSO का पंप भी बन गया हमारे एरिए में, तक पेट्रोल पंप भी बन गया। हाँ, उसको भी मिलते हैं इंशाल्लाह, पहले आ जाएं फिर मिलते हैं उसके बाद। हाँ जी दोस्तों, हम आ चुके हैं पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवाने। ये हमारे एरिया में PSO का पंप खुला नया, आज मैं पहली बार आया सुजुकी पे, तो अभी डलवाते हैं 12 लीटर पेट्रोल। पेट्रोल भी सस्ता हो गया माशाल्लाह, इसी तरह इंशाल्लाह 150 हो जाएगा, मज़ा आएगा उस दिन। ये हमारे पोली भाई भी आए हैं, पेट्रोल 12 लीटर स्टार्ट डाल दे। ये जी हमारा पेट्रोल डलने लगा अभी, ये देखें जी। बारह लीटर पेट्रोल डलवाया हम लोगों ने, और अभी हम जा रहे हैं माल भरने मुरसलीन भाई का, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं वहीं चल के आप। हाँ जी दोस्तों, हम आ चुके हैं कारखाने में। ये कारखाना है, इधर अभी कतरन लोड होगी, फिर मैं मिलता हूँ आपसे। हम आए थे कतरन भरने, हमें मिले इधर काशी भट्ट, शेरदाद खान, सागर भट्ट। तो इन्होंने कहा रुको हमारे पास, हमने कहा चलो कतरन भर रहे हैं। सोच रहा था सा कहाँ बैठूँ, अल्लाह देखो जरिए बनाता है, जेल में भी नहीं था। अभी हम इनके साथ चाय पीते हैं इधर बैठ के। अभी अभी 10 मिनट हुए आपको याद कर रहे, सच्चे दिल से आप। मैंने 10 मिनट हुए, बड़ी मेहरबानी सर आपने हमें याद किया, आपकी एंड नवाजिश। तो कहने फिर अभी चाय आती है, नवाजिश हो रहा, फिर अभी चाय आ रही है, फिर अभी चाय पीते हैं इनके साथ बैठ के। बचना यही है आज आके लोगों को यार, ठीक है दोस्तों फिर मिलते हैं आपको। एक कप चाय, आए हाय आए हाय। ये जी आ गई है चाय। हेलो, हाँ जी, शुक्र अल्लाह, ठीक है दोस्तों, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अभी चाय पीते हैं। शेरदाद भाई इंतजाम तो नहीं देना चाहते जी, हुकुम करो। शेरदाद भाई बोल रहे हैं अभी आप इंतजार करो, हम चाय पी रहे हैं, फिर मिलते हैं आपसे। भैया ने माशाल्लाह काशिफ ने लिए बाइक, इसकी हमें पार्टी दे रहा है छोटी सी, माशाल्लाह जी, अल्लाह नसीब करे इसके। मुबारक हो काशिफ भाई, बहुत बहुत माशाल्लाह, बहुत प्यारी गाड़ी, अल्लाह पाक नसीब करे, मशवरा दिया इसको। तो भाई चीज लेनी आपने 0 मीटर लेनी। हाँ हाँ, चीज जवाब है ना, बुड्ढे माँ बाप अच्छे है तो दुआ से जन्नियत या बदवा से दुनिया में ही जलील। चीज होनी चाहिए मशीनरी 0 मीटर होनी। अभी छोटी सी पार्टी रखी ना हमारे लिए, अभी जा रहे हैं हम लोग, ठीक है दोस्तों फिर चलते हैं, मिलते हैं आप। भैया माशाल्लाह ये हमारी पार्टी हो रही है, बाइक की खुशी। हाँ शेरदाद भाई, नहीं माशाल्लाह बहुत बेहतरीन, बहुत जबरदस्त। हाँ सागर भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। जी जी काशी भाई की छोटी पार्टी हमारे लिए, अल्लाह पाक इनके नसीब करे बाइक, अल्लाह पाक इनको और ज़्यादा तरक्की दे, हमारी दुआएं इनके साथ हैं, और हम इसी तरह ये पार्टियाँ खिलाते रहे। भैया ने ये कतरन भर ली है, ये देखो ऊपर बैठा हुआ है, ये तंगावली, तंगावली भर ली कतरन, चले हैं अभी। अभी कहाँ जाना है, अभी वहाँ उनकी टैंकी है, दूसरे कारखाने में चलते हैं, वहाँ से भरते हैं चल के, फिर मिलते हैं आपको वहीं। जी इनके कारखाने पे आए, मेन जो कारखाना हमारे घर के साथ, ये देखें टंकियाँ तैयार हो रही हैं, ये देखें जी माशाल्लाह, ये पेट्रोल कॉलोनी है हमारी, ये भी टंकियाँ लोड हो रही हैं पीछे मशीन, ये जनरेटर चल रहा है, लाइट नहीं है ना, इसकी वजह से शोर हो रहा है, मेरे ख्याल आवाज़ आपको कम आ रही होगी। तो ये बन रही हैं जी, ये देखें, ये हमारे करिंदे लगे हुए ऊपर टंकियाँ चढ़ा रहे हैं, जो स्क्रैप हो जाती हैं। भाईजान ये कतरन भर के ले आए, अभी ये खाली हो रही गोदाम पर, अभी दोबारा इनका एक चक्कर हो रहा है, वो भरना है। तंगा बली हमारे लगे हैं, पंजी उठाओ बेटा पंजी, अभी पंजी का काम है,
फटाफट इसको खाली करो, ये देखो खाली करने का तरीका। चल बेटा खाली करके दिखा, अभी नीचे गिरा रहे ताकि एक चक्कर हो रहे, वो तो भर के फिर इंशाल्लाह इसको अंदर डिपोर्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, जुड़े रहो साथ। ये जी हमारे तंगाबली ने गाड़ी खाली कर दी और अभी हम जा रहे हैं, दोबारा इनका एक चक्कर हो रहे, वो भरते हैं चल के, फिर इंशाल्लाह उसके बाद किसका माल भरेंगे वो भी आपको दिखाते हैं। दोस्तों अभी दूसरा चक्कर भरने आए हमारे बंदे, वो देखे अंदर इनकी खुड है, उसमें से माल निकाल रहे हैं। माशाल्लाह हवा भी ठंडी ठंडी चल रही है और हम बैठे हैं अभी बस, ये दूसरी गाड़ी लोड हो रही है तंगाबली, वो देखो ऊपर ये लगे हमें सेटिंग कर रहे हैं गाड़ी में, ये लोड होएगी तो फिर हम यहाँ से निकलेंगे, फिर उसके बाद एक और चक्कर है किसी का, वो भी दिखाते हैं आपको, फिर मिलते हैं आपसे। ठीक है दोस्तों, अरे चाय वाले भाई हैं, बिस्मिल्लाह। तेरे भाई का नाम है ना बिस्मिल्लाह, तेरा नाम क्या है? मेरा नाम अजीजुल्ला। ये है भाई अजीजुल्ला, हमारे भैंस कॉलोनी में इस टाइम सबसे सस्ती चाय इनकी है माशाल्लाह, जायका भी है चाय, ये एक चाय 40 रुपए की कट, 25 रुपए का, और ब्लॉगर के लिए फ्री। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई जान, ये देखे यूट्यूबरों के लिए फ्री है भाई, बड़ी मेहनत करते हैं भाई ये लोग, कमाल के पांच भाई हैं माशाल्लाह, पांचों मेहनत करते हैं, अल्लाह पाक उनको कामयाब। ये जी टैंकी हैं, ये हमारे कारीगर लगे पड़े हैं अभी लोड कर रहे हैं, सारी स्क्रैप हैं, ये जो है ना नया साल आता है ना फिर टैंकियाँ ख़राब जो स्क्रैप होती हैं निकलती हैं, नहीं तैयार होती हैं, तो ये भी सारी स्क्रैप हैं, अभी हम लेके चलते हैं कबाड़ पे, ये लोडिंग हो रही है बस, ये इनका माल ख़त्म हो गया, ये अब लोड करेंगे तो इधर से फारग हो जाएगा, फिर इंशाल्लाह अगले गोदाम में जिसके जाएंगे वो भी आपको चल के दिखाएंगे उधर। ये जी हमारे दोस्त हैं, हमारे गोदाम पे भी ये सिलेंडर लाते हैं, ये इनकी गाड़ी देखें, इसका खर्चा भी कम है इनका, ये देखो जी स्टील के फोड़े माशाल्लाह, ये अंदर गए अभी सिलेंडर एक देने के लिए, अभी आते हैं। ये क्या ट्रक क्वेश्चन होके जा रहा है भैया, ये देख खराब हो गया होगा मेरे ख्याल, अभी अंदर गया मैं, आते हैं फिर मिलवा करते हैं। जी हमारे दोस्त, ये सिलेंडर माशाल्लाह, इसका कितना खर्चा होता है पेट्रोल का? खर्चा 200 रुपये। कितने चलती है? 12 दिन की माशाल्लाह, क्या जुगाड़ किया उस्ताद, ये कमाल हो गया। सुलेमान भाई को लाइक करो शेयर करो, ठीक है जी, ये देखो खर्चा भाई, ये गए, ये देखो बाय बाय, ये देखें जी कैसे खाली होती गाड़ी, शाबा जवान शाबा। 4 दिन गोदाम बंद होने की वजह से मजदूर भी आते थे बारह बैठ बैठ के, तो हमें कह रहे थे काम करवाओ, मैंने कहा चलो कुछ नहीं माल जो उठाने बाहर से ये उठाओ के खराब है इस टाइम, अल्लाह पाक रहम करे अपना सब पे, ना माल बिक रहे हैं ना माल है ना मार्केट में पैसे हैं, बहुत परेशानी का आलम है, बस अल्लाह करम कर, तो अल्लाह वाली से भैया ना आ चुके हैं जिस गोदाम से हमने लोया बना था, ये हमारे बंदे लगे हुए हैं, और ये देखे इधर कौन बैठा है, पठान उर्फ, और ये हैं काशी, काशी भाई क्या चक्कर है, उस कबाड़ में भी थे इधर भी, क्या कबाड़ों का ठेका तुम्हारे पास है क्या? आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन है क्या? डिस्ट्रीब्यूशन लिए क्या कबाड़ों की? ये भाई डिस्ट्रीब्यूशन लिए इस बंदे ने, और अभी लोया लोड हो रहा है, कंट्रोलर भी मौजूद हैं, तो फिर अभी हम मिलते हैं आपसे गाड़ी लोड होने के बाद। भाईजान अभी हम मौजूद हैं शान के कबाड़ पर, और ये हैं हमारे शाहजेब भाई फ्रिजों का ऑपरेशन करते हुए, ये देखो तबाही मचाई हुई है इसने पूरी गली में डाला, चल भाई ऑपरेशन करके दिखा इनको, ये फ्रिज तोड़ते हैं हम कबाड़ वाले जो है ना फ्रिज तोड़ते हैं, गाड़ी लोड हो रही है अभी हमारी, और माशाल्लाह बाहर ये फ्रिज का शोर है, टंग 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 टंग, देखियो भाई मेरे को थोड़ा ना मार दियो, नहीं लगता आपको यार, अंदा जो होश से काम लेना चाहिए, जोश से नहीं, हो गया बस। भैया चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो शेयर करें, और इंशाल्लाह अभी मेरी नियत है कि डेली ब्लॉगिंग की जाए, अल्लाह ने चाहा तो मैं रोज़ अब इंशाल्लाह करूँगा ब्लॉगिंग,
अभी कबाड़ पर चलेंगे, गाड़ी लॉक करके खाली होगी वहीं पे ब्लॉक एंड करेंगे अभी चल के, अभी जुड़े रहो साथ। दोस्तों हम आ चुके हैं गोदाम पे, ये आखिरी गाड़ी थी, अभी एक चक्कर और बाकी था लेकिन शाम हो गई है, दिन है छोटे, जिसकी वजह से हम लोग अभी जो है ना इसको खाली करेंगे, और टायर भी हमारा पंचर हो गया गाड़ी का, ये देखें सामने, तो इस वजह से अभी हम इंशाल्लाह यही गाड़ी खाली करेंगे क्योंकि इसमें भी टाइम लगेगा। और भाई देख के हो, भाई देख के मेरे को नहीं मार दियो, तो इसी वजह से अभी हम जो है ना इसको गाड़ी को खाली करेंगे, और ये जो नीचे डेयरी बनी हुई है इसको भी खाना है, इसमें भी घंटा डेढ़ लग जाएगा दोपहर का खाना, मेरे ख्याल अभी तक वर्करों ने नहीं खाया है, मैंने वही सुबह जो बिरयानी खाई थी वो खाई थी, तो भूख अभी लगी हुई है शदीद, लेकिन अभी खाना नहीं मिलेगा इस टाइम क्योंकि टाइम ही नहीं खाने का, अभी टाइम हो रहा है 5:59, तो इसी वजह से और घंटा लगेगा खाने में, तो जब तक काम फिर हम आपको मिलते हैं नए व्लॉग में, व्लॉग का इधर ही एंड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।